गाइस क्या होगा अगर आप सभी को एक ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिससे आप सभी को अपने गेम के अंदर जितने भी बंडल्स है वो सारे के सारे बंडल्स आप सभी को भाई गोल्ड कॉइंस के बदले में मिल जाए। अब मुझे पता है कि भाई लोग ये सुन के आप सभी को बिलीव नहीं हो रहा होगा कि आप सभी को लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई मेरे को सारे के सारे बंडल्स भाई मेरे को 5000 गोल्ड कॉइन के बदले में मिल रहे हैं। तो गाइस ऐसा कैसे हुआ, मैंने कौन सी ट्रिक को अप्लाई किया, आप सभी को कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और गाइस उसी के साथ हम लोग ये भी बात करने वाले हैं, जैसे कि भाई लोग आप सभी को पता है अभी अपने गेम में OB39 का अपडेट आया था एंड उसके अंदर आप सभी को एक न्यू करेक्टर अपना एलाइट एलवेरो करेक्टर देखने को मिला था। तो गाइस आप सभी एक चीज भूल चुके हो कि गाइस अपना ना ओरियन जो करेक्टर आने वाला था वो अभी तक अपने गेम के अंदर नहीं आया है। तो टेंशन नोट गाइस, आप सभी को बता दूंगा कि अपना ओरियन करेक्टर आप सभी को अपने गेम में कब देखने को मिलेगा एंड हाँ आप सभी को गोल्ड कॉइंस के बदले में देखने को मिलेगा या आपको उसके लिए डायमंड्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा, तो भाई लोग यार वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। और हाँ देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, आपके भाई का चैनल है, एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखो पिछली वीडियो पेड प्रमोशन थी इस वजह से मैंने आप सभी के लिए गिव अवे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, नहीं तो आप सर्च करके आ जाना sugarhome.com, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिलेगा ये वाला, इसके ऊपर आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर आप सभी के सामने यहाँ पे फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना UID नाम और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए, डायमंड चाहिए, रिडीम कोड चाहिए, सिलेक्ट करके आप इसको सबमिट कर देना, ठीक है। फिर आप टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ रिजल्ट भी आ जाएगा। चलो भाई ओके। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले, देखो अभी अपने गेम में ना अपना ओरियन करेक्टर आना बाकी है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज्यादा ही मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे, आकाश भाई हमें ये बताओ अपना ओरियन करेक्टर कब आने वाला है एंड हमें गोल्ड में मिलेगा या डायमंड में मिलेगा। तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपने ओरियन करेक्टर की एबिलिटी समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैसा होने वाला है। भाई लोग ओरियन करेक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप सभी के पास HP होना जरूरी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे HP ले लेना। फिर भाई लोग जैसे ही आप अपने ओरियन करेक्टर को यूज करोगे किसी भी एनिमी के सामने, तो गाइस यहाँ पर देखो उस एनिमी को 30 का डैमेज लग जाएगा और यहाँ पे देखो 10 डैमेज लगेगा 3 सेकंड के अंदर, मतलब कि 3 सेकंड में 30 का डैमेज लग जाएगा, ठीक है, हर एक सेकंड में 10 का डैमेज लगेगा। तो कुछ इस टाइप से इसका फर्स्ट एबिलिटी होने वाला है। एंड गाइस ओरियन करेक्टर का सेकंड एबिलिटी ये है कि गाइस अगर आप जैसे ही इस वाले करेक्टर को यूज करोगे और एनिमी आप सभी को गन से फायर करेगा तो आप सभी को कोई सी भी गन की गोली नहीं लगेगी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, आर पार चली जाएगी गोली लेकिन आप सभी को कोई सा भी डैमेज नहीं लगने वाला है। तो ये मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगा। बट गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, इतने सारे करेक्टर आ रहे हैं दिन अपने गेम को भाई पूरा का पूरा इंबैलेंस कर रहे हैं, आप क्या ही कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी अगली एबिलिटी बताता हूं। तो देखो गाइस जैसे ही आप इस वाले करेक्टर को लेके खेलोगे तो आपका जो EP होता है तो वो रेड हो जाएगा अगर आपके सामने कोई सा भी एनिमी आता है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सामने एनिमी आ गया, आपका EP रेड हो जाएगा। इस करेक्टर की लास्ट एबिलिटी ये है कि आप इस वाले करेक्टर का स्किल यूज करके आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी मूव कर सकते हो और आपके सामने एनिमी होगा तो उसको डैमेज वगैरह भी लग जाएगा। तो ये मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। तो आप सभी को ये करेक्टर कैसा लगा को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन भाई लोग मेरे को पता है आप सभी के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि आकाश भाई हम अभी अपने अपडेट के अंदर हम सभी को सेंटिनो जैसा करेक्टर, इतना ज्यादा खतरनाक करेक्टर हम सभी को गोल्ड में मिल गया। यहां तक अपना DJ आलोक भी आप सभी को इतने दिनों से डायमंड में मिल रहा था लेकिन अब की बार आप सभी को गोल्ड में मिल गया, समझ रहे हो। तो मतलब मैंने आप सभी से तो बहुत पहले कह दिया था, 2-3 साल पहले कह दिया था, बट आने में गोल्ड कॉइंस में आने में इसको टाइम लगा। तो गाइस आपके मन में ये डाउट है कि आकाश भाई हमें ये बताओ अपना ओरियन करेक्टर हमें गोल्ड में मिलेगा या डायमंड्स में मिलेगा। तो देखो गाइस इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज ना अब की बार अपना जो ओरियन करेक्टर है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, ठीक है, बाकी करेक्टर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये आपको सबसे पहले तो टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हो सका तो आप सभी को 1-2 महीने बाद अपना OB40 अपडेट के बाद आप सभी को गोल्ड कॉइंस में मिल सकता है, ठीक है। लेकिन भाई लोग आप लोग टेंशन मत लो, अभी मैं आप सभी को जो चीज़ बताने वाला हूँ ना उसको सुनकर आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि भाई लोग देखो ये जो अपना ओरियन करेक्टर है ना ये आपको अपने स्कॉर्पियन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, अपने स्कॉर्पियो इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्कॉर्पियो इवेंट है ये आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, मई के अंदर आप सभी को ये स्कॉर्पियो इवेंट देखने को मिल जाएगा एंड उस इवेंट के अंदर ही ये अपना ओरियन करेक्टर आएगा। तो गाइज देखो जैसे अपना प्रोजेक्ट कोबरा करके अपना कोबरा बंडल भाई लोग सेम अपना ऐसी स्कॉर्पियो का इवेंट आने वाला है एंड उसका ना पूरा का पूरा वेब इवेंट आएगा। एंड भाई लोग जब भी अपना वेब
इवेंट आता है तो उसके अंदर आप सभी को करेक्टर फ्री में देखने को मिलता है। तो सेम अपना ऐसी ओरियन करेक्टर भी आप सभी को फ्री में लॉग इन करने के बदले में आप सभी को मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा तो आप लोग OB40 अपडेट का वेट करना, OB40 के बाद आप सभी को गोल्ड कॉइन्स के बदले में मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, अभी मैं यही कहूँगा कि आप अपना गोल्ड कॉइन्स को बचा के रखो क्योंकि बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं अपने गोल्ड कॉइन्स। तो चलो भाई लोग, अब हम लोग बात करने वाले। देखो मेरे को बताया, आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो कि मैंने आप सभी को ना स्टोर सेक्शन में जितने भी बंडल्स हैं ना वो सब दिखाए गोल्ड कॉइन्स के अंदर, ठीक है। सारे के सारे रेयर बंडल मेरे को गोल्ड कॉइन में कैसे मिल रहे हो, और आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई कैसे हो गया, कौन सी ट्रिक को मैंने अप्लाई किया। तो देखो भाई लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी सारे बंडल्स आप लोग देख रहे हो ना गोल्ड कॉइन्स के अंदर, भाई ये सारे के सारे सबसे पहली बात तो रेयर बंडल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई, सारे बंडल्स जितने भी स्टोर सेक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं ना भाई, सारे बंडल्स हैं। तो गाइस ऐसा कैसे हुआ, मैं आप सभी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था, मैं मस्त बैठ के भाई यूट्यूब चला रहा था, फिर मेरे को एक वीडियो रिकमेंड होती है एंड मैं उस वीडियो के मतलब रिलेटेड मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। फिर भाई लोग जो होता है ना, मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो भाई इस टॉपिक के ऊपर भाई इतनी सारी वीडियोस बन रखी है ना, और सारे के सारे भाई वीडियोस पे ना 8 लाख व्यूज, 9 लाख व्यूज, और एक एक महीने के अंदर भाई 5 लाख व्यूज, समझ रहे हो। फिर भाई लोग मेरे को समझ आया कि हाँ, जितनी भी ऑडियंस है ना फ्री फायर की, मतलब भाई क्या बोलूँ भाई लोग, मैं समझ नहीं आता भाई लोग आप लोग क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब वो बंदा आप सभी को साफ सीधा भाई पागल बना रहा है, आप लोग भाई फिर भी उसको भाई वॉच कर रहे हो। भाई लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी को कह रहे हैं कि पहले आप सभी को एडम करेक्टर लेना है, सारी गन स्किन को अनएक्यूप करना है, फिर आप सभी को एक गेम खेलना है, फिर गेम खेलने के बाद कस्टमर सर्विस पे जाना है, गरीना वालों को रिपोर्ट करना है, फिर वहाँ पे एक फॉर्म ओपन आएगा, फिर मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं ना भाई लोग। फिर लास्ट में क्या करते हैं, मतलब वो फेक एडिटेड आप सभी को वीडियो दिखा देते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिप दिखाया ना, वो सारी क्लिप ना बन जाती है भाई डाटा माइनिंग से। अब आप लोग को तो भाई लोग नहीं पता है कि कैसे हो गया, बिकॉज आप सभी को रियल लगता है बिल्कुल, ठीक है। आपको लगता है कोई सा भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डाटा माइनिंग से होता है, इसलिए आप सभी को रियल लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का वो बंदा फायदा उठा रहा है। इवन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखना, मतलब इतने सारे बंदे आप सभी का पूरा 5 से 10 मिनट आपका वेस्ट करते हो, और आप लोग ऐसी ट्रिक को यूज़ करते हो, उल्टा सीधा आप लोग कुछ दबा देते हो, फिर आपका पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। आप लोग की पूरी सेंसिटिविटी, कस्टम एचयूडी सब कुछ रीसेट करने के लिए कह रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब समझ सकते हो भाई लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं बंदों के आप लोग मतलब वॉच कर रहे हैं, देख रहा हूँ भाई उनका भाई एक एक महीने के अंदर 8 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखो भाई लोग, इससे पता है किसको बुरा लगता है, हम लोग को बुरा लगता है जो भाई पूरा मतलब मेहनत से वीडियो बनाते फिर भी उनकी चलती नहीं, समझ रहे हो। और मैं दिन पे दिन भाई इंप्रूव कर रहा हूँ, एंड जितने भी फ्री फायर के क्रिएटर्स हैं मैं देख रहा हूँ पहले से मस्त कंटेंट बना रहे, समझ रहे हो। बट फिर भी गाइस क्या ही बोले, आप लोग उन्हीं सब फेक ट्रिक्स को देखते हो, क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस बहुत बुरा लगता है, समझ रहे हो। वैसे भाई लोग, आप लोग को भी भाई समझ नहीं आता होगा क्या चीज़ रियल है क्या, बिकॉज भाई लोग मैं भी समझ सकता हूँ, अभी सीन ही कुछ ऐसा है ना, सारी चीज़ें गोल्ड में आ रही है, इस वजह से आप लोग भी बिलीव कर लेते हो, लेकिन भाई लोग वो सारी चीज़ें फेक है, ठीक है, आप लोग बिलीव मत करो। एंड आपका भाई बैठा है आप सभी को सारे स्कैम्स वगैरह से बचाने के लिए। आपने देखा होगा जब डबल डायमंड का स्कैम चला था, मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। बस आप लोग मतलब सही चीज़ को फॉलो करो ना, उन सभी को वॉच करते हो, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मेरे को, ठीक है। बाकी गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप सभी को बुरा लगा होगा बिकॉज भाई लोग मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में झूठ बोला, ठीक है, लेकिन भाई लोग मैंने आप सभी को लास्ट में सच बताने के लिए ये यूज किया था, नहीं तो आप स्टार्टिंग में वीडियो को छोड़ के चले जाते, ठीक है, और ज्यादा बंदों तक नहीं पहुंच पाती। तो बात को समझा करो, और आगे के आप सभी के 1-2 घंटे ऐसे वेस्ट नहीं होंगे, आप सभी को अभी से पता चल गया होगा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है, एंड लाइक करते हुए जाना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।